तो कल नहीं था, ये किसने ये वन लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया? किसने नहीं नहीं लगाया? मैंने नहीं लगाया है सर, किसने लगाया ये? सर्वीस करके नो, SHO से मिलवाया है सर इसको। दिस 53 हैज बीन मेड 153 नाउ। इट्स अ सीरियस मैटर मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने वन सब में ऐड कर दिया। हाउ कैन दिस अमाउंट्स टू इंटरपोलेटिंग द रिकॉर्ड्स? नहीं सर, SHO ने सर फेंट कर गया था। हाउ SHO कैन डू इट? हु हैज रिटन दिस केस डायरी? यू आर अ पुलिस ऑफिसर, यू आर अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डोंट यू अंडरस्टैंड? बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूज कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये रिकॉर्ड? सॉरी सर, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, आई अश्योर यू। सॉरी सर, सॉरी सर, हाउ कैन यू डू इट? क्या हो गया है आप लोगों को? यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स? प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट है? नहीं सर, प्रमोट होके बने। तो ऐसे ही करते करते SP तक आप पहुंच गए, ऐसे ही करते करते आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप SP रैंक तक पहुंच। यस यस मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर, डिड यू गेट द एंटायर केस डायरी? सर यस, प्लीज शो मी। किसने किया ये? ये तो कल नहीं था, ये किसने ये वन लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया? किसने लगाया? नहीं नहीं मैंने नहीं लगाया है सर। किसने लगाया ये? सर्वीस करके SHO से मिलवाया है सर इसको। दिस 53 हैज बीन मेड 153 नाउ। सर वन मिस कर गया था सर, वो फेंट। हाउ कैन यू डू इट? वो मिस कर गया था या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? Probably Xerox है सर, मुझे लगा। These are Xerox copies. सर ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर उतना, तो उसके उसका Xerox लगाया है। इट्स अ सीरियस मैटर मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कल जो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने वन सब में ऐड कर दिया। हाउ कैन दिस अमाउंट्स टू इंटरपोलेटिंग द रिकॉर्ड्स? नहीं सर, SHO ने सर फेंट कर गया था। हाउ SHO कैन डू इट? हु हैज रिटन दिस केस डायरी? यू आर अ पुलिस ऑफिसर, यू आर अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डोंट यू अंडरस्टैंड? डोंट यू अंडरस्टैंड? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। इतना कैटेगरिकली इसने 53, 54, 55 लिखा है और तो मुझे इसमें इंक्वायरी करना होगा, इसका रिकॉर्ड मंगाना होगा। इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ लोअर कोर्ट में रहता है, मंगा लीजिए। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूज कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? यस मिस्टर खान, माय लॉर्ड, हैज ही कंसल्टेड यू बिफोर डूइंग इट? I only see the mother that mother he asked me to enter. He will be prosecuted for interpolating the records. Sorry sir. You will be prosecuted, I assure you. Sorry sir, sorry sir. How can you do it? क्या हो गया है आप लोगों को? You do not understand the sanctity of the records. Sorry sir. कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें। Sir.
एंड टुडे इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर स्टैंड यू हैव चेंज द पैराग्राफ नंबर. दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स. ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं. उतना ही होगा, वो तो वहां कोर्ट में जमा है. तो ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और दिख रहा है कोर्ट में, और यहां आपने कार्बन कॉपी में ये डाल दिया. अब यहीं पर जब आपसे सवाल करेंगे ना, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है कि सॉरी सर, कि साहब कोर्ट में जो है सॉरी सर, इस तरह से बोला गया. आपको कोई ट्रेनिंग भी होती है या वैसे ही बस? हर चीज में मिस्टेक ही बोलते हैं ना आप. सॉरी सर, गलती हो गई है सर. हर चीज में मिस्टेक होता है. फोटोकॉपी कैसे आएगी सर? एक ऑर्नामेंटल वर्ड आपने सीख लिया, सॉरी सर. सॉरी इज नॉट पैनेसिया फॉर ऑल इल्स. सॉरी सर, कभी नहीं, ऐसी गलती नहीं होगी सर दोबारा. इसका रिकॉर्ड्स मंगवाइए, पूरे केस का जी लिखिए. ये तो गलत कर दिया. I had handed over you this copy not for changing the paragraphs. By mistake. तो कॉल कर लिया, रिकॉर्ड कॉल कर लिया. ट्रायल नंबर है सर. ट्रायल नंबर बताइए. ट्रायल नंबर होना चाहिए. चेंज करने का भी होता है, कोई अगर गलती होती है तो उसका तरीका होता है. उससे भी गलती होती है. पूछ के करना था सर. गलती होती है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ ऑर्डर में लिख दिया. उसके लिए हम कोर्ट में केस को लाते हैं, फिर से लॉयर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि साहब ये गलती हुई है, इसको सुधार करने की जरूरत है. सर ये गलती हो गई है सर, सॉरी सर. आपने तो रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर दिया. कॉल कर लीजिए जरा. उसका ट्रायल नंबर नहीं है, नहीं दिख रहा, उसमें भी नहीं दिख रहा. पीएस केस से कॉल कर लिया जाए, वहाँ रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा. सीजीएम के यहाँ पेंडिंग है. फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट हो गया इसमें हजूर? कब एक्सेप्ट हुआ है वो मुझे भी नहीं मालूम. कुछ और चीज़ें मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा हजूर, विथ योर परमिशन. यस. ये इनका जो सेकेंड काउंटर एफिडेविट सप्ली या सप्लीमेंट्री एफिडेविट मान के चले, वो 25 पेज नंबर 25 का देखा जाए उसमें लास्ट पैराग्राफ में है. पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ. उल्लेखनीय है कि इस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह एवं अशोक सिंह द्वारा दिनांक 18/11/22 को बसंतपुर लकड़ी नवीबगंज ओपी थाना कांड 61/2020 में माननीय न्यायालय सिवान में आत्मसमर्पण किए हैं. तत्पश्चात उन दोनों अभियुक्तों को बसंतपुर नकड़ी पंच ओपी थाना कांड संख्या 336/20 पे 9/8/2020 में रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में सिवान में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया. लेकिन इन्होंने 61/20/20 जो हमारा केस है उसमें रिमांड नहीं मांगा. 61/20 में सर सरेंडर ही किया है सर वो. ठीक है, 61/20 में उसने सरेंडर किया सर. आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड अक्यूज था वो सर? बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चली सर. गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर. अच्छा, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे. आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए. जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहाँ से आपको कॉल अपॉन किया, तो एक दो डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलेबरेशन से उन्होंने सरेंडर किया. लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया, तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे सर? करेंगे ना. तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है. एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप
एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके मेलजोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर सर, इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल द केस और टू कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स, टू ट्रेन योर सबऑर्डिनेट्स, हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। सर नेम्ड अक्यूज्ड था इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम्ड अक्यूज्ड को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए, प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट है? नहीं सर प्रमोट, प्रमोट होकर बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए, ऐसे ही करते करते आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया, और आप, आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड अक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। किस गाड़ी से था जिन्होंने कल क्या बोला कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया? मीन आई हैव टू रिकॉर्ड वेरी स्ट्रिक्टली समथिंग विच यू मे नॉट लाइक। हजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, ये बाढ़ राशि का डिफाल्केशन। हाँ वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं उसको, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर उसमें जितने आईओज हैं जो कंसर्न एसएचओ हैं, डीएसपी हैं अप टू एसपी, सबका कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, और इसका सबका जो है ये एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनके कंडक्ट का भी होना चाहिए वो ईओयू से, क्योंकि और एक और इन्होंने किया है कि एक और केस था जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे। सुन लेते हैं आप, एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे जल्दीबाजी में, आपने देखा है कभी हमको? नहीं देखा है ना, तो वेट कीजिए ना। यस जब इन्होंने काउंटर फाइल किया है हुजूर, तो इन्होंने 5 केसेस को दिया, और एक और इम्पोर्टेंट केस था जो इन्होंने डिलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया, वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। ये FIR नंबर है 164 20 हैड टेकन द मलाड हु आर नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लड बट ही गॉट द मलाड सेम थिंग मलाड देन मलाड द ऑल द पर्संस हैव रिटर्न द मनी मलाड आफ्टर दैट मलाड दे हैव फाइल्ड द सबमिटेड चार्ज शीट मलाड इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट देन मलाड दैट इज द मलाड हाउ इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट देयर आर 20 दोज हु Mr. Khan, I lot. I will record your statement. Otherwise, also it is getting recorded in the court proceeding. You said that those 16-17 persons who were not affected, they had received the money. My lot. But then they returned it. My lot, return. Therefore, this case.